गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास. स्टूडेंट्स, वी हैव रेड चैप्टर नंबर 5 एंड टुडे वी विल डू बैक एक्सरसाइज फॉर द सेम. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. टिक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट इज डैश रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड. स्लाइड पे टेक्स्ट की पोजिशन को क्या कहते हैं. एंड अवर ऑप्शन आर टेक्स्ट अलाइनमेंट, इमेज अलाइनमेंट, टेक्स्ट साइज या नन ऑफ दीज. तो हम ए टेक्स्ट अलाइनमेंट पर टिक करेंगे बिकॉज टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट. सेकेंड इज द डैश एंड डैश फीचर यूज टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इन ए लिस्टेड फॉर्म. कौन सी फीचर्स टेक्स्ट को एक लिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. एंड अवर ऑप्शन आर पॉइंट एंड नंबर्स, बुलेट एंड पॉइंट्स, बुलेट्स नंबरिंग या डी ऑल ऑफ दीज. तो हम सी बुलेट्स एंड नंबरिंग पर टिक करेंगे बिकॉज बुलेट्स एंड नंबरिंग आर यूज टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इन ए लिस्टेड फॉर्म. थर्ड इज डैश अलाइनमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट रिलेटिव टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स. कौन सी अलाइनमेंट टेक्स्ट की लेफ्ट और राइट मार्जिन से पोजीशन को डिटरमाइन करती है. एंड अवर ऑप्शन आर लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई. तो हम सी सेंटर पर टिक करेंगे. फोर्थ इज द रिसाइजिंग हैंडल्स आर यूज टू डैश द इमेज इंसर्टेड इन द स्लाइड. मीन्स जो रिसाइजिंग हैंडल्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं. एंड अवर ऑप्शन आर मिनिमाइज, रिसाइज, मैक्सिमाइज एंड रीयूज. तो हम बी रिसाइज पर टिक करेंगे बिकॉज रिसाइजिंग हैंडल से हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं. नाउ पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज ए डिज़ाइन डैश कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ कलर एंड फॉन्ट्स. एक डिज़ाइन क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर और फॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं. एंड आवर आंसर इज थीम. सेकेंड इज डैश अलाइनमेंट मीन्स दैट द टेक्स्ट इज अलाइंड अराउंड ए मिड पॉइंट. कौन सी अलाइनमेंट में टेक्स्ट जो है हमारा मिड पॉइंट बीच में होता है. एंड आवर आंसर इज सेंटर. थर्ड इज द डैश ऑप्शन हाइड्स द बैकग्राउंड इमेज. कौन सा ऑप्शन बैकग्राउंड की इमेज को हाइड करता है, छिपा देता है. एंड आवर आंसर इज हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स. फोर्थ इज डैश आर यूज्ड व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट टू बी फॉलोड. ये कब यूज़ किए जाते हैं, जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस सीरीज नहीं होती फॉलो करने के लिए. एंड आवर आंसर इज बुलेट्स. फिफ्थ इज डैश रिप्रेजेंट्स पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट रिलेटिव टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट. कौन सी अलाइनमेंट टेक्स्ट की पोजिशन बताती है टॉप और बॉटम मार्जिन के अकॉर्डिंग. एंड आवर आंसर इज वर्टिकल अलाइनमेंट. नाउ पार्ट डी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रोंग वन. फर्स्ट इज अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड. ट्रू. सेकेंड इज वी कैन मॉडिफाई द वर्ड आर्ट यूजिंग द डिज़ाइन टैब. क्या हम वर्ड आर्ट को डिज़ाइन टैब के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं. येस, दिस इज ट्रू. थर्ड इज वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट ऑन द स्लाइड. क्या हम इंटरनेट से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. येस, दिस इज ट्रू. फोर्थ इज वी कैन नॉट चेंज कलर ऑफ डिज़ाइन थीम. हम अपने डिज़ाइन थीम का कलर चेंज नहीं कर सकते. नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हम चेंज कर सकते हैं. फिफ्थ इज डिज़ाइन थीम्स आर प्री लोडेड स्लाइड डिज़ाइंस. डिज़ाइन थीम्स क्या पहले से ही लोड की हुई स्लाइड के डिज़ाइन होते हैं. येस, दिस इज ट्रू. तो हम इसमें टिक लगाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बैक एक्सरसाइज वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.